ओम शांति। आइए सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज वाणी की डेट है 2 मई 2020। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? आंसर है, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहां हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन है यह तो कोई नहीं जानती। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराए देश में आए हैं? वह अपने देश में नहीं आते। ये रावण राज पराया देश है ना, तो क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आए हैं पराए देश में, तो उनको अपना देश कौन सा हुआ? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? तो एक दो ने बाबा को आंसर दिया। इस पर सब विचार सागर मंथन करना। किस पर? कि बाबा का देश कौन सा, बाबा का परदेश कौन सा, रावण का परदेश कौन सा और रावण का देश कौन सा? बाबा ने कहा, इस पर विचार सागर मंथन करना। ये बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना पड़ता है। यह है संगम युग। वह सतयुग में नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का, संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ तैलुक नहीं है। बुद्धि से, पुरानी दुनिया से तैलुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। आत्मा कहती है, अभी मैं संगम पर हूँ, बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं, कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये भी ज्ञान है। तो ज्ञान अर्थात समझाने बाप मत देने आए हैं। कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को विस्तार से बैठ समझाते हैं। अब ये रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहां है कर्म संबंध। बंधन तो दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अभी बाबा समझाते हैं, अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है, हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर देवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है, फिर 8-12 जन्म देवी संबंध में होंगे। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुगी छी कर्म बंधन से जैसे ग्लानी करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना
नहीं है, बुद्धि मिली है, ये सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं, ये बाप ने यात्रा सिखलाई है, फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। ये कर्म बंधन अब टूटना ही है, हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र वन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला तो बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। ये ड्रामा है, जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापस घर। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग, उस पढ़ाई में तो समझते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं फिर प्रारब्ध यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर, और इसकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। ये नई बात है ना, दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे। तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना ये सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप आते हैं संगम पर, तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, अमरपुरी के लिए। ये तो है कलयुग, बाबा बोले ये मृत्यु लोक है, हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। तो यह है पराया देश, वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं, वह देश बच्चों के लिए ही है। वहां सतयुग में रावण का आना होता नहीं, रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में तो बाप गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम बच्चे हैं संगम युग पर, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी सब तो धक्के खाते रहते हैं, जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो, यह है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुखधाम में। तो तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो, पांडव राज्य नहीं कहेंगे, राज्य ना पांडवों का है ना कौरवों का है, दोनों को ताज नहीं। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया, अगर दे भी दे तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं दे सकते, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं तब किस, बाबा ने कहा चलते चलते गिर पड़ते हैं तब किसको देवे, इसलिए सब निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि वह पवित्र हैं। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र है नहीं, सन्यासी लोग कहलाते हैं हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना, जन्म फिर विकारी दुनिया में लेते हैं। ये रावण की पतितपुरी है, रावण की बाबा ने कहे पतितपुरी है, पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप भगवान कांटों से फूल बनाते हैं, तो वह पतित पावन भी है, किवैया भी है और भगवान भी है।
बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहेंगे, यू तो भाई कोई विनाश कराते नहीं है। जब समय होता है तब लड़ाई लगती है, कहते शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। ये सब कहानियां बैठ बनाई हैं, पुरानी दुनिया तो खत्म जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं, ये भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये सब दब कर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे, बाम शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी। तो बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश तो होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो सतयुग की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। तो बाप आए हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने। अच्छा, ये लास्ट चांस है, बाबा ने बोला ये लास्ट चांस है, देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे, मौत भी सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सुगति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाबा को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर जाएंगे, इसलिए बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, यह भी याद रहता है। ऐसे नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है तो हम बाबा की याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखने चाहते हो तो डायरी रख सकते हैं। मूल बात यही है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने, तो बाप आकर ये नॉलेज देती है। ज्ञान का सागर तो बाप ही है। तुम अभी कहते हो ना, बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया तो हम फिर से देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को ये सब धारणा कर फिर समझाने के लायक बनना था तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबर वार, पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला यह तो सहज है ना। किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो बहुत सहज है। यह बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई मनुष्य से कह ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा बाप को जानते हैं, ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप जानना पड़े, ये सब नाटक के एक्टर्स हैं। हरी आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स तो कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल अथवा फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्प काल के लिए, यहाँ तो मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। तो वह हद के ड्रामा, और यह है
बेहद का जामा। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करो। मुझे भी बाबानी का पहली मुख्य बात है बाप को याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, तो वह सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते मुझे याद करो, घर को याद करो, तो तुम घर में चले जाएंगे। बाप को याद करो, घर को याद करो, तो घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं, बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र बनकर आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा सर्विस की होगी, बाबानी का जितना हमने बाबा को याद किया होगा सर्विस की होगी, उतना उतना ऊंच पद पाएंगे। याद में बहुत विघ्न पड़ते हैं, पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु फिर कर कुछ नहीं सकते। साक्षात्कार कराएंगे तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए। अब खाओ सजा तो उस पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, ना ही टाइम गवा दिया। परंतु सजा तो खानी पड़ेगी, कुछ कुछ हो थोड़े ही सकेगा। फिर बाबा ने कहा लास्ट में कुछ हो थोड़े ही सकेगा, ना पास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में ना पास होते हैं तो फिर से पढ़ते हैं, ये तो पढ़ाई पूरी ही हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, माया बहुत उल्टा काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, माया वह भी कराएगी, पीछे स्मृति आएगी हमने हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिन में ख्याल आता है, पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, ये राइट है व रॉन्ग है, ये चीज उठाऊं तो रॉन्ग है, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा, अब क्या करना। पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संघ में आकर कभी लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, हम नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान में आना नहीं है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाबा कहते तुमको रॉन्ग काम नहीं करना है, लड़ाई चलती है फिर गिर पड़ती है, फिर राइट बुद्धि मिली आती, राइट बुद्धि आती नहीं है। हमको राइट काम करना है, क्या करना है, राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है, अच्छे ते अच्छा काम यही है। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है ना, रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए आराम करने के लिए टाइम तो मिला है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ, याद का चार्ट रखो। लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं, बाबा को याद करते नहीं है, सर्विस भी नहीं करते तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए बाबा ने कहा अपना चार्ट रखो। अच्छा, अभी बाबा बोले मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत थैंक्स। अभी सुनते हैं मुरली का सार। पहली पॉइंट है झरमुई झरमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, माया कोई भी उल्टा काम ना कराए ये ध्यान रखना है, संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है,
देहाभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट, घर की याद के साथ साथ पाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी रखनी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाबा को याद किया, तो अपना पोता मेल रखो। आज का वरदान है उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। कितना सुंदर आज बाबा ने वरदान दिया, उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। उदार चित अर्थात सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़े दिल वाले, फ्राक दिल और बड़े दिल वाले, अपने गुण से दूसरों को गुणवान बनाने वाले, सहयोगी बनना, शक्ति और विशेषता भरने में सहयोगी बनना, अर्थात महादानी फ्राक दिल बनना ही उदार चित आत्मा की निशानी है। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं ही आधार और उद्धार मूर्त बनने में सफलता का वरदान प्राप्त करती हैं, क्योंकि सेवा के आधार स्वरूप बनना अर्थात स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाना। अच्छा, आज का स्लोगन है, बहुत सुंदर स्लोगन है, आप और बाप, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। ऐसे कंबाइंड रहो बाबा के साथ जो कोई तीसरा आपको अलग कर ना सके। अच्छा, तो अभी हम सबने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुने। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। ओम शांति।